वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारे पास है Hyundai Alcazar 2 लीटर पेट्रोल इंजन वाला है। ये कुछ इसका इंजन पे ओपन करते हैं। काफ़ी हैवी सा इसका बे मिलता है। हाइड्रोलिक स्टड नहीं दिया, मैनुअल यहाँ पे स्टड दिया गया। ये है इसका इंजन में, सुपर रिफाइंड इंजन है। 2 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है Hyundai की तरफ से। इंसुलेशन यहाँ पे दिया गया है, और ऑलरेडी पेट्रोल कार है तो इंसुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी क्वाइट कार है। ये कुछ इसका फ्रंट लुक, यहाँ पे सिंबल बढ़िया सा मिल जाता है, अराउंड मेरे हाथ जितना सिंबल है इसका। यहाँ पे फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है। ये कुछ इसका ग्रिल दिया गया है, यहाँ से फंक्शनल है, यहाँ से पैक किया गया है, और नया सा डिज़ाइन है, और सब कुछ इस बार नया दिया है हमको Hyundai ने। नंबर प्लेट ये रहा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक ग्रिल सा दिया है, और यहाँ पे ग्रे कलर में यहाँ पे हमको मिल जाता है इसकी प्लेट। लेफ्ट साइड अगर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको टोइंग हुड मिलता है। ब्लैक कलर की ये कार है, पर दूर से देखने पर ये डार्क ब्लू जैसा शेड मिलता है हमको। डेलाइट रनिंग लैंप मिलता है यहाँ पे, और ये ऐसा यहाँ पे ऐसा लगता है ये हेडलाइट वॉशर है, पर वो है नहीं, ट्रीटमेंट दिया गया। और ये लाइट का ऐसा छोटा पार्ट ये ऐसा कनेक्ट करता है जो सी पार्ट में होता है। 3 डिफरेंट पार्ट्स में आपका हेडलाइट फंक्शनल मिल जाता है, जो कि हाई बीम लो बीम होता है, और डेलाइट रनिंग लैंप। उसके यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए, तो यहाँ पे हमको मिलता है ये हमारा साइड लाइट, जो यहाँ पे एलईडी नहीं दिया गया, पर ये एक बल्ब दिया गया है जो कि हैलोजन बल्ब है। और ये अपना फॉग लैंप एस सच कुछ इसमें फंक्शनल नहीं दिख रहा है अभी तक। तो ऐसा कुछ फ्रंट लुक मिलता है, काफ़ी बड़ी सी कार है, एस सच मिलती है हमको। ये अपना लेफ्ट प्रोफाइल एस सच सेम सब कुछ यहाँ पर दिया है, पार्किंग सेंसर्स दिए गए। आते हैं इसके लेफ्ट वाले प्रोफाइल पर। टायर साइज़ की बात करते हैं हम, तो इसको टायर साइज़ बढ़िया से 18 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। टॉप एंड मॉडल है ये, जो सिग्नेचर आता है वो वाला 2.0 लीटर वाला। 215/55R18 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। यहाँ पे ग्रे कलर के कैलिपर्स दिए गए। ये कुछ इसके साइड का व्यू है इसका कार का। यहाँ पे हमको फुटरेस्ट मिलता है, पर यहाँ पे इसकी बात करें तो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा फुटरेस्ट मिलता है, मतलब फुटस्टेप जो बहुत फंक्शनल नहीं है। साइड में ORVM पे आता है, तो यहाँ पे हमको कैमरा मिल जाता है जो कि 360 व्यू पार्किंग व्यू देता है, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मिलता है हमको ORVM पे साइड लाइट इंडिकेटर, और ये अपना ORVM जो अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। लेफ्ट में आते हैं तो यहाँ पे हमको क्रोम के ट्रीटमेंट के साथ, यहाँ पे इसके कलर के रिफाइनमेंट के साथ, और हमको मिलता है इसका डोर ओपनिंग का। और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं दिखा है, यहाँ पे Alcazar की ब्रांडिंग की हुई है। हाँ, मतलब वो गार्ड दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो अपना पिलर होता है, ये बी पिलर है, जो मैट फिनिश ब्लैक में फिनिश किया गया है, ये ए पिलर है, और ये अपना ORVM। पीछे की साइड आता है, थोड़ी बड़ी वाली विंडो यहाँ पे मिल जाती है हमको। ये अपना सी पिलर है, और ये 7 सीट वाला पोर्शन है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है, जो आगे बात हम करेंगे। ये अपना फ्यूल लिड है जो ओपन होता है अंदर से। ये अपना पीछे का रेयर व्हील है, जो ऐसा कुछ दिखता है हमको। आते हैं इसका बैक वाला लुक पे। सबसे पहले हमारी नज़र जाएगी वो है इसका 2 लीटर, मतलब 2.0 लीटर इंजन। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, शार्क पिन एंटीना दिया गया है। मेन बात हमको मिलता है सनरूफ, एक पैनारोमिक सनरूफ यहाँ पे मिलता है। रेयर फोकस मिलता है, रेयर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक यहाँ पे दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है। ये अपना टोइंग हुक है, और यहाँ पे 2 ड्यूअल सिस्टम एग्जॉस्ट मिला गया है। और ये कुछ इसका ग्राउंड क्लियरेंस है कार का। और ये अपना स्पैरल दिया गया, नॉट एन एलॉय, नॉट एन फुल साइज। ये अपना स्किड प्लेट दिया गया है, और अपना रेयर व्यू कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। ऐसा कुछ हमको क्रोम में लिखा हुआ यहाँ पे Alcazar मिलता है। रेयर वाइपर दिया गया है, और यहाँ पे वॉशर का पोर्ट दिया गया है। ऐसा कुछ हमको इसका जो टेल लाइट का फंक्शनल मिलता है ऐसे सी टाइप में। और यहाँ पे ये LED है, पर इसके अंदर हमको बल्ब दिए गए, जहाँ पे थोड़ी कॉस्ट कटिंग की है Hyundai वाला। यहाँ पे सिग्नेचर के ब्रांडिंग की है, जो अपना मॉडल है सिग्नेचर वाला, और वहाँ पे 2.0 का लिखा हुआ है, जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन है। यहाँ पे भी सेम SS दिया गया है। बूट स्पेस की बात करें तो 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि ये एक 7 सीटर कार है, तो ऐसा कुछ बूट स्पेस हमको मिलता है इस कार में, जो अच्छा है। मतलब SS एक अच्छा बूट स्पेस हमको मिलता है, 7 सीटर होने के बाद भी एक बैग रख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे 2 रखे हुए हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता। राइट प्रोफाइल जो कि है मेन ड्राइवर साइड, एस सच सेम यहाँ पे रूफ रेल्स दिए गए, और यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया है, तो बहुत फंक्शनल नहीं है। और ये अपना पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है। सबसे पहला आता है बैक रो में, मेन आता है यहाँ पे,
ये कुछ इस कार का इंटीरियर है, यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे टंबल, वन टच टंबल सीट मिलता है, क्योंकि यहाँ से ये फंक्शनल है सीट। और सीटिंग अरे बैठते तो हमको काफ़ी स्पेस तो मिलता है, जैसे कि ये भी फुल जो सीट है फुल रिक्लाइन किया गया है, यहाँ से इसको रिक्लाइन करते हैं। और एक मतलब लेग रूम अच्छा है, नी रूम नियर टू एडिक्वेट चलेगा, टच हो जाता है। दो बटन होल्डर दिए गए यहाँ पे, यूएसबी सी नहीं है, यूएसबी का पोर्ट दिया गया। ये एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए, दो लाइट प्लेसमेंट दिए गए, वहाँ पे भी एसी के कंट्रोल्स दिए गए, और यहाँ पे यूएसबी और बटन होल्डर दिए गए। और यहाँ से हम बूट एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी बढ़िया सी स्पेस आ सकती है। अब यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि ये हमारा एडजस्टेबल सीट है, कि मतलब ये फुल आगे भी जा सकती है और ये पीछे भी आ सकती है, और ये अब फुल बैक हो गई है और इसके अंदर बैठते हैं, तो इसे हमको थोड़ा रिक्लाइन करना पड़ेगा। ओके, ये फुल रिक्लाइन हो गई है। फुल रिक्लाइन पे हम देख पाते हैं कि अच्छा सा स्पेस मिलता है, नी रूम मिलता है, मेरी जितने हाइट वाला बंदा। अंडर थाई सपोर्ट एडिक्वेट है, अच्छा है, नी रूम अच्छा है, लेग रूम अच्छा है। डोर को शट करते हैं, अच्छा वाला थर्ड मिलता है, वापस करते हैं, अच्छा थर्ड मिलता है। यहाँ पे सनब्लाइंड दिए गए हैं, जो कि बाहर से नहीं लगवाए, विंडो ने खुद दिया है, जो एक अच्छा है प्रीमियम। और ये विंडो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे लाइट का प्लेसमेंट दिया गया है मैन्युअली, और ये यहाँ पे हैंडल दिया हो गया है। यहाँ पे क्रोम एक ग्रे में फिनिश दिया गया है, और यहाँ पे ब्राउन मतलब मरूनिश टाइप में हम कह सकते हैं हमको लेदर मिलता है, हार्ड प्लास्टिक, लेदर नहीं है हार्ड प्लास्टिक, ये वाला है वो लेदर कोटिंग किया हुआ। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया गया है, यहाँ पे हमको एक इनोवा क्रिस्टा की तरह यहाँ पे एक कुछ छोटा सा कंपार्टमेंट रख सकते हैं, यू कैन सॉर्ट ऑफ कीप समथिंग हियर। यहाँ पे ये ग्रिल दिया गया है, जहाँ पे हम कुछ छोटी छोटी चीज़ रख सकते हैं, पेन समथिंग वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमको फ़ोन रखने के लिए दिया गया है, और यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे दो एसी वेंट्स है, और ये अपना एयर प्यूरीफायर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे दो बॉटल होल्डर दिए गए हैं, उसके साथ यहाँ पे एल्पन लिबे पड़ा है। ये है अपना वायरलेस चार्जिंग पैड, जो पीछे की सीट पे भी मिलता है हमको, और ये इसके अंदर का ग्लव बॉक्स कुछ कह सकते हैं, मतलब पीछे के कैबिन पे आगे वाला कैबिन मिल रहा है। यहाँ पे हम छोटा सा रख सकते हैं, ये है हमारा सिक्स सीटर वजन कह सकते हैं, और ये उसका जो लेफ्ट वाला सीट होता है। सब कुछ सेम है, मतलब एक अच्छा, आप अगर एक कम्फर्ट कार ढूंढ रहे हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं। बोस के यहाँ पे स्पीकर दिए गए, जो म्यूजिक सिस्टम बहुत प्रीमियम बनाता है इस कार का। चलते हैं इसके मेन ड्राइवर साइड पे आते हैं, यहाँ पे हमको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे हमारा पावर कंट्रोल्स दिए गए, ओवर वेम के लिए, अनलॉक लॉक के लिए दिया गया, और पावर विंडो वन टच के लिए दिया गया है, और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे स्किड प्लेट दिया गया है, छोटा सा एकदम पतला वाला है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हमारा है ये ड्राइवर सीट, और अंदर आता है इस कार के। ओके, सबसे पहले आपको दिखता है ऐसा बढ़िया वाला कुछ इंटीरियर इस कार का। ये है अपना कुछ स्टेयरिंग व्हील, डी कप स्टेयरिंग व्हील मिलता है, और मेन होता है पैडल शिफ्टर, मतलब इस बजट रेंज में हमको पैडल शिफ्टर हिंडा ने प्रोवाइड किया, जो बाकी अच्छा है। यहाँ पे हमको मिलता है स्टार्ट स्टॉप बटन कार का। यहाँ पे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये हमारा पार्किंग सेंसर है, और ये अपना लाइट एडजस्टमेंट, ये अपने एसी वेंट्स के लिए है, जो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है, जो अच्छा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले हमको मिल जाता है, कि जब हम कार स्टार्ट करते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पे हमारा एसी कंट्रोल्स दिए गए हैं। मेन आते हैं यहाँ पे हमारा वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। यहाँ पे 12 वोल्ट 180 वॉट की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे अपना पोर्ट दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे एक यूएसबी और एक चार्जिंग के लिए पावरफुल यूएसबी दिया गया है। ये एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के लिए दिया गया है। ऐसा कुछ गियर मिलता है हमको, ऐसा फंक्शनल गियर है, PR&D और स्पोर्ट ड्राइव मोड। यहाँ पे ड्राइव के डिफरेंट मोड्स है, ट्रैक्शन के डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलता है बटन वाला। यहाँ पे ऑटो ऑल फंक्शन मिलता है। ड्राइवर सीट के लिए हमको मिलता है यहाँ पे एयर वेंटिलेशन सीट्स, और यहाँ पे ये व्यू है जो 360 डिग्री व्यू हमको कवर करता है। ये है को पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे हमको मिलता है अपना वेंटिलेटेड सीट। यहाँ पे हमको दो ट्विन कप होल्डर, जहाँ पे ये डस्टबिन रखा हुआ है, और ये अच्छा सा फ्रेग्रेंस वाला रखा हुआ है। और यहाँ पे हमको आर्मरेस्ट मिलता है, जिसके अंदर हम छोटी चीज़ रख सकते हैं,
ये थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, जो एक अच्छा है। ह्यूंडई वालों ने एक अच्छी चीज़ दी है, वो है ये कि वो को पैसेंजर के लिए भी वो टू 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 करता है, तो इसके लिए ये लगा दो, पर ये सेफ्टी को, आपकी ही सेफ्टी को थोड़ा करेगा, तो इसीलिए ये शायद बाहर से लगवाया है। ऊपर की तरफ आता है, हमको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और यहाँ पे हमको लाइट प्लेसमेंट्स दिए गए हैं, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे सनब्लैंक के लिए, यहाँ पे मिरर नहीं दिया गया है, ऑब्वियसली उसको नहीं चाहिए ड्राइवर को, और यहाँ पे अपना पर्ची के लिए दिया गया है। यहाँ पे आते हैं तो हमको यहाँ पे मिरर दिया गया है पर लाइट प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा कार। यहाँ पे एडजस्टेबल सीट बेल्ट यहाँ पे भी दिए गए हैं, और यहाँ पे भी जो है मेन अपने ड्राइवर साइड पे भी ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे भी दिए गए। अगर स्टीयरिंग व्हील पे आते हैं तो यहाँ पे हमको फ़ोन के लिए ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हमको क्रूज़ कंट्रोल के लिए आ जाता है, और MID कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और इसके बाद आते हैं यहाँ पे ये अपना लाइट का पॉइंट यहाँ पे है, और अपने वाइपर कंट्रोल्स ओवर यहाँ पे है। ये एक ऑटोमेटिक कार है, तो यहाँ पे प्रॉपर डेड पेडल दिया गया है, मतलब सिर्फ कवरिंग दिया गया है। इसके बाद ये ब्रेक, अपना एक्सीलेटर, यहाँ से हम बूट ओपन, हुड ओपन कर सकते हैं। ऐसा कुछ दिखता है हमारा घर, ग्लव बॉक्स यहाँ पे ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा सा ग्लव बॉक्स नहीं है, छोटा है पर एडिक्वेट है। वहाँ पे बॉटल वाटर दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे अच्छी स्पेस रख सकती है। तो ऐसा कुछ दिखता है अपना कार। कार को स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ कार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पूरा हमको यहाँ पे डिजिटल MID मिल जाता है। आंटी चुप रहिए आप। यहाँ पे हमको पूरा MID मिल जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर, RPM मीटर, सब कुछ यहाँ पे फंक्शनल हो सकता है। मेन दिखाता हूँ इसका रेयर व्यू कैमरा, जैसे कि मैं इसको डालता हूँ रिवर्स में, इसको डालता हूँ व्यू में, तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज यहाँ पे मिलेंगे मुझे जो मेरी कार के हैं। यहाँ से मैं बैक जो ऑलरेडी है, ये इसका 360 तो चालू ही रहता है, ये अपना ऐसा कुछ व्यू है, पीछे वाला ऊपर से दिखाता है, ये दो पार्ट कवर करता है, मतलब एक वी एंग में ये जो साइड के ORVM से ये और ये वो वाला ये कवर कर रहा है, ये इसका ब्राइटनेस और वो सेटिंग्स है। ऐसा कुछ हमको ORVM में मिलता है कि मतलब जब कार चेंज करते हैं तो ऐसा कुछ हमको मिलता है। ये इसके ड्राइव मोड से, ये इसके स्पॉट मोड हो गया और ये नॉर्मल मोड हो गया, ऐसा कुछ मिलता है इस कार में। तो गाइस ये एक आप अच्छी कार है, आप मतलब कर सकते हैं। अगर आपको ये कार पसंद आई तो वीडियो में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर कार चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए ले आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।